नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी भी। जैस्मिन अपनी काली करतूतें क्या फतेह के सामने उगलने वाली है, क्योंकि इस बार फतेह ने बोल दिया है साफ साफ जैस्मिन से कि झूठ मत बोलना करवा चौथ वाले झूठ की तरह। जैस्मिन जो भी तेजो कह रही है क्या वो सच है, ये सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जैस्मिन की। अब जैस्मिन क्या सच बोलेगी फतेह के सामने, क्या वो ये बोलेगी वैसे चिल्ला चिल्ला कर कि हाँ मैंने ये सब किया तेजो को तुम्हारी लाइफ से दूर करने के लिए, हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कुछ ऐसा बोलेगी, या फिर से फतेह को गोल गोल घुमा देगी। वैसे कुछ भी हो सकता है। फतेह को तेजो ने जब ये बोला तो उस पर नहीं हो रहा कि जैस्मिन के मुंह से वो सुनना चाह रहा है। अरे भाई, फतेह को कौन समझा है कि जैस्मिन कभी सच बोलती है क्या कि आज बोलेगी, उसे तो सिर्फ करवा चौथ के झूठ के बारे में पता है। पूरी झूठ पर ही टिकी है जिंदगी जैस्मिन की, ये बात सारे घर वालों को मालूम है, लेकिन अफसोस फतेह को नहीं मालूम है। एक एक बात बताने वाली है तेजो। तेजो ने ये फैसला फतेह की माँ की वजह से लिया है, क्योंकि फतेह की माँ ने हाथ जोड़कर कहा पुत्र फतेह को जैस्मिन से बचा ले, उसे समझ नहीं आ रहा, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं, सारा कुछ सच उसे बता दे। इसके बाद तेजो वो सारा सच फतेह को बताने वाली है, और वो फतेह से कहती नजर आती है कि मुझे लगा था कि तुम सब समझ जाओगे, पर तुम्हें समझ नहीं आया, फिर मुझे ही बताना होगा जैस्मिन का सच। जिसके बाद फतेह बहुत चौंक जाता है और वो पूछता है क्या हुआ। इसके बाद वो सब कुछ बताती है, मरे चूहे का सच, खुशबीर की चाय में दवा वाला सच और पासपोर्ट का सच, इसके अलावा और भी सच, सारे सच बताती है तेजो फतेह से। और ये सब कुछ सुनकर फतेह शॉक्ड हो जाता है। ये सारी बातें जैसे जैसे फतेह सुनता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकती है, और फिर वो जैस्मिन से ये पूछता है, जिसके बाद अब क्या कहेगी जैस्मिन ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि जस का सच तेजो को नहीं पता है, हालांकि जस ने भी तेजो को हिंट दिया था, यहाँ तक कि यहाँ पर वो जैस्मिन का झूठ भी बताने आया था फतेह को, पर फतेह ने नहीं सुना। आप देखते हैं जैस्मिन क्या अपनी जो काली करतूतें हैं वो खुद उगलेगी फतेह के सामने, या फिर एक और बड़ा झूठ। वैसे आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि शायद ही फतेह को जैस्मिन का ये झूठ भी दिखे, क्योंकि अभी तक तो शायद फतेह की ज़िंदगी में जैस्मिन जैसे रायता का रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आपको बता दें कि तेजू और अंगद का भी लंबा ट्रैक चलने वाला है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और अब शो और मज़ेदार हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।